नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में तमाम लोकसभा क्षेत्रों में अभी से ही सभी दल के जो दावेदार हैं वो मैदान में कूद पड़े हैं। सभी अपने अपनी दावेदारी को लेकर जनता के बीच अभी से पहुंचने लगे हैं और एक समीकरण तय करने की कोशिश कर रहे हैं और यह दिखाना चाह रहे हैं आला कमान को एक रिपोर्ट ऐसी जाए कि उनके ज्यादा लोग इस लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जिससे यह टिकट उनकी झोली में चला जाए। लेकिन अगर झारखंड के चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो चतरा लोकसभा सीट पर भी सभी दल के कई दावेदार हैं। चतरा में करीबन हर दल की ओर से दावेदारों की फौज मैदान में उतर पड़ी है। अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें तो इस सीट पर राजद के साथ ही कांग्रेस की भी नजर है और राज्यसभा सांसद धीरज साहू का इस सीट पर एक बार फिर से मैदान में उतरने की चर्चा जोर शोर से जारी है। हालांकि जिस तरीके से हाल के दिनों में उनके ठिकानों से करीब 350 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, उसके बाद से उनकी दावेदारी पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन यह दावा आज भी किया जा रहा है कि यदि धीरज साहू ने मन बना लिया है तो उनकी उम्मीदवारी को टाला नहीं जा सकता। धीरज साहू को अगर बात कर ले कि धीरज साहू को टिकट नहीं मिलता है तो योगेंद्र साव मैदान में उतरने की तैयारी में है। धीरज साहू के ऊपर जैसे ही देखा कि संशय के बादल उमड़ रहे, से पूर्व विधायक जो बड़का गांव के योगेंद्र साव अपना दमखम चतरा में दिखाने लगे हैं। खबर है कि योगेंद्र साहू की बेटी और वर्तमान बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद भी अपने पिता के लिए बैटिंग कर रही हैं। अंबा की इस जीत के कारण कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। दरअसल बड़कागांव विधानसभा को योगेंद्र साव का गढ़ माना जाता है। दावा किया जाता है कि बड़कागांव से कांग्रेस को जो विजय मिलती है उसकी वजह कांग्रेस नहीं बल्कि योगेंद्र साव की लोकप्रियता है और उनका एक अपना संघर्ष रहा है और अपना जनाधार है। अंबा इसी आधार पर अपने पिता योगेंद्र साव के लिए चतरा सीट पर बार्गेनिंग कर रही है। दावा यह भी किया जाता है कि यदि अंबा की इस चाहत को स्वीकार पार्टी नहीं करती है तो अंबा कांग्रेस को अलविदा कर अलग रास्ता भी चुन सकती है। इस हालत में कांग्रेस के लिए चतरा की पहेली को सुलझाना टेढ़ी खीर बनती नजर आ रही है, जिसका समाधान करना नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की पहली अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन यह सियासी टसन सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, राजद भी इस सीट के लिए अपना जोर लगाते दिख रही है। राजद की ओर से सबसे मजबूत दावेदारी हेमंत सरकार में श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता का है, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़े कांटे के तौर पर राजद के ही नेता सुभाष यादव है। दावा किया जाता है कि सत्यानंद भोक्ता जहां सीएम हेमंत की पहली पसंद है तो सुभाष तेजस्वी के संपर्क में है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव राजद का टिकट वितरण में सुभाष की चाहत का ख्याल रखते हैं या फिर सीएम हेमंत की पसंद का सम्मान। वैसे बड़ा सवाल तो यही है कि टिकट बंटवारे में यह सीट किस घटक दल के खाते में जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता की ओर से जोर लगाते देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि इस बार राजद को अपनी लालटेन जलाने का मौका मिल सकता है। यहां बता दें कि चतरा के साथ ही राजद की नजर पलामू, कोडरमा और गुड्डा में भी बनी हुई है। लेकिन सवाल वर्तमान सांसद सुनील सिंह की वापसी पर भी है। उनके खिलाफ अगर बात कर ले कि आला कमान को लगातार शिकायतें भेजी जा रही है, दो दो बार लगातार कमल खिलाने के बाद दावा किया जा रहा है कि इस बार उनके लिए संसदीय सीट से कमल खिलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनके खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत कार्यकर्ताओं से दूरी की है। दावा किया जाता है कि सुनील सिंह अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते। भाजपा खेमे में कालीचरण सिंह और ब्रिजमोहन तिवारी की भी दावेदारी तेज है। हालांकि दिल्ली दरबार में खूब हाजिरी लगती है, जिसके आधार पर उनकी वापसी के दावे किए जा रहे हैं। अगर टिकट कटता है तो कालीचरण सिंह या फिर ब्रिजमोहन तिवारी का किस्मत कि जो चाबी है वो खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आंकड़ों का प्रकाशन हुआ है, इससे पिछड़ा आरक्षण में विस्तार देकर 24 से पहले एक बड़ा सियासी दाव खेला गया है। उसके बाद यदि सुनील सिंह का टिकट कटता है तो यह संभव है कि इस बार भाजपा
वहां से किसी पिछड़े चेहरे को सामने लाए। शायद हालिया दिनों में पूर्व सांसद नागमणि सिंह दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ भी मिलने जुलने की चर्चा हुई थी। अगर भाजपा के एनडीए घटक दल की हम बात कर लें तो भाजपा से हट कर देखें, अगर भाजपा में ज्यादा हौज पौज होता है तो हो सकता है कि यह सीट एनसीपी के खाते में भी जाए और एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह की भी चर्चा हो रही है। अगर बात कर ले तो एनसीपी अजित गुट के जो विधायक है झारखंड के और प्रदेश अध्यक्ष भी वर्तमान में एनसीपी के है झारखंड में, तो ऐसी चर्चा है कि जब सीट बंटवारे पर बात आएगी तो चतरा पर दावेदारी एनसीपी भी कर सकती है और यह सीट जहां हद तक चर्चा है कि एनडीए के से खेमे से जो है एनसीपी के खाते में जाए और एनसीपी से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल चतरा का लोकसभा की जंग जो होने वाली है काफी अपने आप में अहम है और कई दावेदार है, कई दिग्गज जो है वो रेस में लगे हुए हैं। फिलहाल यह वक्त बताएगा चुनाव के समय कि आखिर पार्टी किस पर भरोसा जताती है और किसे टिकट देकर मैदान में जंग लड़ने के लिए भेजती है। तब तक के लिए आप द न्यूज पोस्ट के साथ बने रहे, तमाम इससे चुनाव से संबंधित जुड़ी अपडेट और कई ऐसे ही स्टोरी और जो तमाम रिपोर्ट्स है वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। यह स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी हमारे सीनियर कंटेंट राइटर देवेंद्र शर्मा ने, और तमाम अपडेट पाने के लिए हमारी वेब पोर्टल thenewspost.in को लॉगिन करें और वीडियो में अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे लाइक करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम कुछ और ऐसी जुड़ी खबरें लेकर जल्द आपके बीच आएंगे।